हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम, तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, दो क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर लेकर आ चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2024, आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यदि आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो ये चैनल तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बिल्कुल फ्री में आपको हर चीज़ को डिस्कस करते हुए साथ ही साथ नोट्स देते हुए आपको मैं बहुत अच्छे नंबरों से 12 क्लास को पास करा दूंगा। ये ही मेरा टारगेट है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए बिना ट्यूशन पढ़े हुए। चलिए देख लेते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क का विश्लेषण करें। चलिए थोड़ा सा शक्ति पृथक्करण को आप समझ लीजिए कि शक्ति पृथक्करण कहने का मतलब क्या है और यहाँ पर किस शक्ति की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है शक्ति का, वो शारीरिक शक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है सरकार की शक्ति के बारे में। माने यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार की शक्तियाँ होती है उसको बांटा गया है, उसको बांटा गया है कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में और न्यायपालिका में। अब चलो जान लेते हैं कि कार्यपालिका कौन होती है, व्यवस्थापिका कौन होती है और न्यायपालिका कौन होती है। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका के बारे में जानिए। तो व्यवस्थापिका वो होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं। जैसे हमारे देश में नियम कानून कौन बनाता है, जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, वो लोग बैठ कर क्या करता है, नियम बनाता है और उसे देश पर लागू कर देता है। और कार्यपालिका कौन होती है, जो उस नियम को लागू कराती है देश में। जैसे पुलिस प्रशासन लोग या और भी बहुत सारे अधिकारी, जो उस कानून को लागू कर दिया जाता है तो उसको ये करता है, लोग उसका देख रेख करता है, कानून के अनुसार काम करता है। यानी व्यवस्थापिका, मंत्रियों ने कानून बनाया और लागू कर दिया देश में और उसे पुलिस लोग उसे जनता को मानने के लिए ये करता है, उनको मनवाता है उस कानून को। जैसे लॉकडाउन के दौरान हमारे मोदी जी बोल दिए कि चलिए इतने तारीख से इतने तारीख तक लॉकडाउन होगा, कोई घर से बाहर ना निकलो, और उसमें कोई बाहर आता है तो उसको पीटने का और जेल ले जाने का कौन कार्य करता है, पुलिस लोग। तो ये हो गया कार्यपालिका, पुलिस लोग, और व्यवस्थापिका हो गया जो कानून बनाता है यानी मंत्री लोग। न्यायपालिका, न्यायपालिका अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर कोई भी भूल करता है या कोई भी जनता गलती करता है तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वहाँ पर जो जज है उनका अधिकार होता है कि इनको दंडित किया जाए। इससे क्या होता है कि जो कानून व्यवस्था है सुचारू रूप से चल पाता है, समाज में एकरूपता, समानता और लोग एक दूसरे का शोषण नहीं कर पाते हैं। तो ये है शक्ति। और इसका पृथक्करण क्यों करना जरूरी है, इसके पक्ष और विपक्ष में, इस चीज को हमें जानना है इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में तर्क, यानी आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द थ्योरी सेपरेशन ऑफ द पावर। तो क्या है कि स्वेच्छाचारी और निरंकुशता से रक्षा, माने रक्षा हो जाती है। देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ही शक्ति के हाथ में इन शक्तियों के आ जाने से वह कानूनों का निर्माण अपने स्वेच्छा से करेगा तथा उसे पूरी निरंकुशता के साथ लागू करेगा। निरंकुशता का मतलब होता है कि जो अपने मनमाने ढंग से काम करे, उसके दिमाग में जो आया वो कर दिया, इसी को निरंकुशता बोला जाता है। उसको जो सही लगता है तो वही सही है, वो दूसरे के भावनाओं को नहीं समझता है, के साथ लागू करेगा। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का विभाजन इसीलिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति मनमाने कानून का निर्माण न करे और न कानून की गलत ढंग से व्याख्या ही करे। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को आपस में मिला देने से पूरी न्याय व्यवस्था ठप पड़ जाती है। दूसरा देखिए, इसके पक्ष में क्या तर्क दिया गया है कि शासक वर्ग के तानाशाही से रक्षा। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की शक्तियाँ यदि एक ही व्यक्ति एवं संस्था में केंद्रित हो जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता के अधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा शासक वर्ग तानाशाह की भूमिका में आ जाएगा। जैसा कि फ्रांस का शासक लुई 14वां स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश के मद में चूर होकर अक्सर कहा करता था,
मैं ही राज्य हूँ यानी आई एम द स्टेट, अतः शासक वर्ग के तानाशाही शासन में रक्षा के लिए शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। तीन नंबर देखिए पक्ष में क्या बोला गया है, शासन में योग्यता में वृद्धि। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को अपनाना इसलिए भी आवश्यक और उपयोगी है क्योंकि इससे सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंगों कार्यपालिका व्यवस्था और न्यायपालिका के पदों पर तीन योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव होगा। वे व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, इससे शासन योग्यतम हाथों में रहने के कारण सुचारू रूप से चलता है। उदाहरण के लिए कानून निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कार्य के लिए सहज विवेक, कुशाग्र बुद्धि, कार्य कुशलता, दृढ़ता इत्यादि गुणों की आवश्यकता होती है। उचित और निष्पक्ष न्याय के लिए दृढ़ स्थिर चित्तवान तथा सत्य और असत्य में भेद करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अतः इन कार्यों को उचित रूप से संपन्न करने के लिए शक्ति पृथकीकरण की आवश्यकता होती है। आगे देखिए कार्य विभाजन से लाभ। शक्ति पृथकीकरण पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि इसमें तीन महत्वपूर्ण पदों पर अलग अलग योग्यतम व्यक्तियों के बैठने से प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह द्रुत एवं सही तरीके से होता है। कोई भी विभाग अतिरिक्त कार्यों का रोना नहीं रोता तथा सही समय पर दायित्वों का निर्वाह करता है। भारत, अमेरिका, फ्रांस या विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों की सफलता का यह आधार है। उसके बाद है न्यायपालिका की निष्पक्षता की रक्षा। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे न्यायपालिका के स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की रक्षा होती है। शासक वर्ग अपने पद का दुरुपयोग करके न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकता। प्रजातांत्रिक देशों में सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, इक्वल बिफोर लॉ, और कानून सबके एक समान संरक्षण करते यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की कहावत इस सिद्धांत के सही प्रतिपादन पर निर्भर करती है। अब देखिए शक्ति पृथकीकरण के विपक्ष में तर्क क्या दिया गया है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कुछ राजनीतिक विद्वानों ने अपने तर्क के द्वारा शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को वर्तमान समय में त्रुटिपूर्ण बताया यानी गलत बताया। देखिए क्या ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण। मंटेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड के तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया था, परंतु वास्तविकता यह है कि इंग्लैंड का शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोग पर आश्रित है। अतः यह माना जा सकता है कि इस सिद्धांत का ऐतिहासिक आधार त्रुटिपूर्ण है। अगला देखिए शक्तियों का संपूर्ण विभाजन संभव नहीं है। कुछ राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि सरकार एक आंगिक एकता यानी ऑर्गेनिक यूनिटी के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर संबंधित है, वही स्थिति प्रशासन के अंगों की है। इसीलिए शासन के अंगों का पूर्ण विभाजन संभव नहीं है। शक्तियों के संपूर्ण विभाजन से सरकार के अंगों में विषमता आएगी एवं वे एक दूसरे के पूरक कार्य करने को बाध्य होंगे। अगर न्यायपालिका की निष्पक्षता का अंत, यदि शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को कठोरता से अपनाया गया तो यह न्यायपालिका की कार्य कुशलता एवं निष्पक्षता का अंत कर देगा। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो कार्यपालिका द्वारा होगी और न ही वे व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित होंगे, वरन वे जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश प्रायः अयोग्य तथा पक्षपातपूर्ण प्रमाणित होंगे। वे न्याय भावना के स्थान पर पक्षपात तथा दलीय भावना के आधार पर कार्य करेंगे। अगला देख लीजिए शक्ति पृथकीकरण अवांछनीय है, माने शक्ति पृथकीकरण संभव ही नहीं है। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को अपनाना अवांछनीय है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तथा कार्यपालिका प्रशासन का कार्य सटीक ढंग से कर सके, इसके लिए दोनों अंगों के बीच पारस्परिक सहयोग नितांत आवश्यक है। ठीक है, कानून यदि कानून के निर्माण में
व्यवस्थापिका और उसका पालन करने में कार्यपालिका तथा उसके रक्षा करने में न्यायपालिका कार्य न करे तो प्रशासन को जनहितकारी रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। इतिहासकार जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता का अनिवार्य अर्थ होगा निरंतर गतिरोध होगा। ठीक है, आप देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कई त्रुटियां हैं, परंतु इन त्रुटियों के आधार पर इसे महत्वहीन नहीं समझा जा सकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय यह लिया जाए कि तीनों विभागों द्वारा एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखा जाना चाहिए, तो इस रूप में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाना संभव नहीं है। शक्ति पृथक्करण के माध्यम से मॉन्टेस्क्यू का मूल आशय सरकार के तीन अंगों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचाना तथा आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना है। यदि आप वीडियो यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि एक सर है सेल्फी स्टडी विद जेपी सर पे, हम लोग घर बैठे ही 12th की तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे इसी तरह वीडियो को क्वेश्चन अपलोड करते हुए उसको डिस्कस करते हुए, और यह आशा करूँगा कि आप अच्छे स्कोर लाए अपने HS के एग्जाम में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।